तो फ्रेंड्स थोड़ी ये इनपुट फैक्ट्री है, इसे भी आप देख सकते हो इजिली, और साथ के साथ आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक या किसी अदर चीज पे, पेपर्स पे भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। मैं आर्किटेक्ट अंशु की स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए लुमियन सॉफ्टवेयर के कुछ शॉर्टकट के इसके ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मैंने कुछ समय पहले लुमियन सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाई थी जो कि आपने देख ली होगी, और उस लुमियन सॉफ्टवेयर को चलाते वक्त मैंने कौन कौन सी शॉर्टकट की इसका यूज़ करा था वो आप आज देख लोगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा इंटरफेस, ये कुछ शॉर्टकट कीज है लुमियन सॉफ्टवेयर की। हैप्पी रिपब्लिक डे की शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज 26 जनवरी है जैसे कि आप सभी को पता होगा, तो आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और ये कुछ शॉर्टकट कीज मैं आपको बता दूंगा लुमियन सॉफ्टवेयर की, जिसकी हेल्प से आप यूज़ कर पाओगे इजिली। जो ये लुमियन सॉफ्टवेयर होता है जनरली यूज होता है 3D Max, SketchUp एंड अदर सॉफ्टवेयर के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर्स इमेजेस निकाल के देता है, और इसकी हेल्प से हम वीडियोस भी निकाल सकता है रेंडर करते वक्त। ठीक है, जैसे कि ये कुछ शॉर्टकट कीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको फर्स्ट दिख रहा होगा नेविगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कई सारे कमांड्स दिख रही होगी, जैसे W और एरो अप करेंगे तो हमारा मूव कैमरा फॉरवर्ड हो जाएगा। S शॉर्टकट कीज होती है तो क्या होगा, एरो डाउन करोगे तो मूव कैमरा बैकवर्ड हो जाएगा। E कमांड है एरो लेफ्ट करोगे तो मूव कैमरा लेफ्ट हो जाएगा। D करेंगे तो एरो राइट, मूव कैमरा राइट हो जाएगा। क्यू करेंगे तो मूव कैमरा अप हो जाएगा हमारा, और ई करेंगे तो मूव कैमरा डाउन हो जाएगा। जैसे हम स्पेस बार दबाएंगे या ये शॉर्टकट कीज दबाएंगे तो हमारा मूव कैमरा वेरी स्लोली हो जाएगा, जो हम कैमरा मूव करेंगे ना वो बहुत ही धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, और शिफ्ट प्लस ये शॉर्टकट कीज दबाएंगे हम तो जो हमारा कैमरा होगा बहुत ज़्यादा तेज तेज चलेगा, फास्ट चलेगा। शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्लस ये शॉर्टकट कीज दबाएंगे हम तो जो कैमरा है ना वो और भी ज़्यादा फास्ट चलेगा। राइट माउस बॉटम प्लस मूव माउस करेंगे तो लॉक अराउंड हो जाएगा। मॉडल माउस, जो ये मिडल माउस है ना इसे हम दबाकर और मूव करेंगे ना माउस को तो पैन कैमरा हो जाएगा हमारा। स्पेस बार दबाकर हम क्या करेंगे, मिडल माउस दबाएंगे फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे ना उसे तो हमारा जो ये पैन कैमरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली स्लोली वर्क करेगा। शिफ्ट प्लस मिडल माउस प्लस मूव करेंगे ना माउस को तो हमारा जो ये पैन है ना, जो कैमरा पैन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चलेगा। ठीक है, तेज चलेगा। शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्लस मिडल माउस जो होता है हमारा उसे दबाकर अगर हम मूव करेंगे तो हमारा जो पैन कैमरा है वो उससे भी ज़्यादा तेज चलेगा। माउस व्हील अप या डाउन करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो कैमरा मूव कर रहे हैं ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा। कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो जो हमारा रिसेट कैमरा पीछे वो हॉरिजॉन्टल व्यूपॉइंट में आ जाएगा। ओ प्लस राइट माउस करेंगे ना दबाएंगे तो जो ऑर्बिट कैमरा वो ऑर्बिट कैमरा फर्स्ट मूव द कैमरा सो दैट द क्रॉस हेयर आर प्लेस एट द पॉइंट ऑन ए मोड दैट यू वांट टू ऑर्बिट अराउंड। ठीक है, ये कुछ ऑर्बिट कैमरे की शॉर्टकट कीज होती है, उसकी हेल्प से आप ये कर पाओगे। डबल क्लिक विद राइट माउस बटन ऑन मॉडल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है जो हमारा आता है मिसेलेनियस, इसकी शॉर्टकट की जो होती है F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F11। तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। F1 में क्या होगा, एडिटर क्वालिटी आएगी फर्स्ट स्टार। ठीक है, इसमें कर पाओगे आप शैडो ऑफ एंड सम मूवी इफेक्ट ऑफ। F2 करोगे तो क्वालिटी 2 स्टार हो जाएगी और ओमनी शैडो ऑफ हो जाएगी। 3 स्टार आ जाएगा F3 में और लो क्वालिटी लुमियन ट्रेन एंड लुमियन ट्रेन शैडो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये कर पाओगे आप। F4 करोगे तो हाई क्वालिटी लेवल्स हो जाएगा आपका। F5 करोगे तो आपका क्या होगा, क्विक सेव, सेव ए स्क्रीन फाइल कॉल्ड क्विक सेव। ठीक है, ये कहलाता है क्विक सेव हो जाएगा आपका। F7 करोगे तो स्विच बिटवीन लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी लुमियन ट्रेन। ठीक है,
आप इजीली स्विच कर पाओगे लो क्वालिटी में और हाई क्वालिटी में। एफर्ट करोगे तो होल्ड डाउन दिस की टू टेम्परेरली शो दिस शैडो फ्रॉम स्पॉटलाइट, ठीक है। F9 करोगे तो टॉगल बिटवीन लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी ट्रीज एंड प्लांट, इसमें आप कर पाओगे लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी की ट्रीज इजीली कर पाओगे, इसमें दिखा पाओगे। F11 करोगे तो आप क्या कर पाओगे, बिल्डिंग मोड एंड टेटेड मोड, टेटेड मोड इज हाइड द यूजर इंटरफेस इन बिल्डिंग मोड, ठीक है। सेटिंग का क्या होता है, सेटिंग टॉगल्स फुल स्क्रीन, एक जो हमारी सेटिंग होगी ना वो फुल स्क्रीन में कर देगा, ठीक है। स्लाइडर्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा इसमें दिख रहा होगा कई सारे स्लाइडिंग होती है, इसमें आप अपने अनुसार रेंडर करके इसमें स्लाइड कर पाओगे इजिली। और ये होता है कुछ सेव करने का, कैमरा सेव और लोड करने का, कुछ रिपोर्ट ऐसा दिखता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देख लिया होगा जो मैं कर रहा था, वो सेम ही ऐसे मैं कर रहा था, ये इजिली आपको दिख जाएगा बॉटम में। कंट्रोल प्लस 1 2 3 4 5 6 0 तक करोगे तो क्या होगा, फोटो सेट होगी 1 इन मोड फोटो मोड, ठीक है, जो कि होने वाली है नोमिन सॉफ्टवेयर के अंदर व्यू पॉइंट के अंदर, ठीक है। शिफ्ट प्लस 1 2 3 4 5 0 तक करोगे तो क्या होगा, फोटो सेट इन फोटो मोड, ठीक है, फोटो मोड में फोटो सेट हो जाएगी। सेलेक्टिंग कॉपी एंड मूविंग, ये होता है सेलेक्टिंग मूविंग एंड कॉपी का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये होता है सेविंग का होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये क्या है, प्लेस मोड, ये होता प्लेस मोड, और ऑब्जेक्ट मोड होता है ये वाला आपका, प्लेस मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड बटन, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट माउस बटन करेंगे तो हम क्या आएगा, मिडल लाइब्रेरी आपकी खुल जाएगी, उससे आप कॉपी या पेस्ट कर पाओगे इजिली लुमियन के अंदर। कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन करोगे तो आप क्या करोगे, प्लेस 10 कॉपी ऑफ दिस सेलेक्टेड मॉडल्स, आप जो मॉडल लाइब्रेरी है उसमें से 10 कॉपीज सेलेक्ट कर पाओगे इजिली इसकी हेल्प से। वी प्लस लेफ्ट माउस बटन करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमारा नया मॉडल है ना उसे हम स्केल कर पाएंगे 0 to 50% रैंडम स्केल, जो आपको दिख रहा होगा। कंट्रोल प्लस वी प्लस लेफ्ट माउस करेंगे हम, ठीक है, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लेस 10 कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड मॉडल्स फ्रॉम द मॉडल लाइब्रेरी एट रैंडम पोजीशंस 0 to 50% रैंडम स्केल पर। अब ये एक और कुछ एग्जांपल आ जाता है, सिलेक्शंस यूज एनी ऑफ द ट्रांसफॉर्म टूल्स बटन्स, फॉर एग्जांपल द मूव ऑब्जेक्ट बटन्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस ड्रैग विद लेफ्ट माउस बटन, इसमें क्या आएगा आपका, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स फॉर सिलेक्टिंग मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे इजिली। कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट आइकन, तो हम क्या कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, डीसेलेक्ट कर पाएंगे उस ऑब्जेक्ट को। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ड्रैग विद लेफ्ट माउस बटन, तो हम क्या कर पाएंगे, उसमें जो रेक्टेंगल होता है उसे हम एक्सेट कर पाएंगे इजिली, ऐड कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस क्लिक एनी वेयर विद लेफ्ट माउस बटन, डी सेलेक्ट कर पाएंगे हम जितने भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करे थे उन्हें। मास प्लेसमेंट फंक्शन, एंटर करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी एक्सेप्टिव लाइंस है एंड स्टार्टिंग ए न्यू लाइन, ठीक है, वो कर पाएंगे हम। कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, एड ए पॉइंट टू सेंटर लाइन, राइट माउस बटन मूव ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर लाइन, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है इसके मूव मोड के, वो आप देख सकते हो इसमें से। मूव मोड सिलेक्शन, लेफ्ट माउस बटन क्या करेगा, सेलेक्ट और डिसलेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट आइकन को। ड्रैग विद लेफ्ट माउस बटन, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल्स फॉर सिलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ड्रैग विद लेफ्ट माउस बटन, एड अ न्यू रेक्टेंगल सिलेक्शन टू एक्सिटिंग सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस क्लिक एनीवेयर विद लेफ्ट माउस बटन, डिसलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन ऑन ए कैटेगरी बटन, कंट्रोल क्लिक ऑन ए कैटेगरी बटन, नाउ डिसलेक्ट ऑल कैटेगरीज एंड ओनली सेलेक्ट द कैटेगरी दैट वाज सिलेक्टेड, बोथ प्लेस एंड मूव मोड, ठीक है। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट होते हैं उसे मूव कैसे कर पाएंगे, वो हम इस ये कमांड है इसकी थोड़ी बहुत, वो मैं आपको बताता हूँ। मूव ऑब्जेक्ट बटन क्या कर पाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे प्लस मूव सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा उसमें डुप्लीकेशन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स
by holding down the control key whilst dragging one of the selecting object. H करेंगे तो क्या होगा, hold कर देगा और उस left और left mouse का होता है ना button, उसे पकड़ कर हम drag करेंगे object को, वो up और down हो जाएगा. ठीक है, left keyboard में हम left and करेंगे तो क्या होगा, उसमें hold down this key and this जो left mouse button होता है उसे दबाकर हम ट्रैक करेंगे आइकन को, वो स्केल हो जाएगा मॉडल पूरा अपना. जितना भी बड़ा हमने मॉडल बनाया किसी भी रेस्टोरेंट बिल्डिंग का या कुछ भी बनाया हमने, तो वो जो मॉडल होगा वो बड़ा हो जाएगा हमारा. ठीक है, आर करेंगे तो हमारा जो वो ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेट हो जाएगा, इसलिए हम रोटेट कर पाएंगे उसे. और एन जो होता है वो क्या करेगा, होल्डिंग डाउन दिस की वाइल मूविंग ऑब्जेक्ट विल नाउ एंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट ओनली मूव अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, दिस ऑल्सो अप्लाई टू द मूव एंड एडवांस मूव इफेक्ट इन मूवी मोड. ये मूवी मोड के लिए हम यूज़ कर पाएंगे इजिली. एम क्या करेगा, एम जो करेगा वो जेड एक्सिस पे काम करेगा. अब मूवी जो मूव करेगा वो एडवांस मूव इफेक्ट दिखाएगा मूवी मोड के अंदर. कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन ऑन ए कैटेगरीज बटन, ये क्या करेगा, डी सेलेक्ट करेगा बटन को. ठीक है, अभी बताता हूँ. कंट्रोल क्लिक ऑन ए कैटेगरी बटन, नाउ डी सेलेक्ट ऑल बटन एंड ओनली सेलेक्ट दी कैटेगरीज दैट वाज क्लिक्ड. और अदर कीज क्या होती है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ. जी जो होगा वो स्नैप वो करेगा, दिस फंक्शन विल मेक ऑब्जेक्ट दैट यू आर मूविंग और प्लेसिंग इन योर स्क्रीन स्नैप टू द लुमिन ट्रेंस वेल इग्नोरिंग ऑल अदर्स ऑब्जेक्ट टाइप. एफ क्या करेगा, एफ करेगा, एफ का मतलब होता है फेल्टेंट. ठीक है, ये कुछ इसकी डेफिनेशन है, ये आप पढ़ सकते हो इसमें. शिफ्ट प्लस मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मूव देम हॉरिजॉन्टल विद स्नैपिंग ट्रांस ऑफ. शिफ्ट प्लस रोटेट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट टू टेम्परेरली ट्रांस द 45 डिग्री एंगल स्नैपिंग ऑफ. के प्लस रोटेटिंग सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रेस के वाइल रोटेटिंग ऑब्जेक्ट टू मेक ऑल द ऑब्जेक्ट फेस द मूव कंसर्न. सेलेक्टिंग मॉडल्स व्हेन ऑब्जेक्ट आइकन्स आर अलाइंड, ये कुछ होती है, ये आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो. ये लोकेशन सिस्टम बेस्ड होती है, ये आप देख सकते हो आपके हिसाब से ये यूज हो सकती है. जैसे कि प्लेस द मूव ओवर द ऑब्जेक्ट आइकन, यूज द एरो अप एंड डाउन, ये आप कर पाओगे इजिली, स्क्रॉल कर पाओगे. और क्लिक ऑन द करंट ऑब्जेक्ट आइकन टू सिलेक्टेड. अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कॉन्टेक्स्ट माउस कमांड्स. ये कुछ इमेज होते हैं इसकी जो आप देख सकते हो. रीसेट साइज, रोटेटिंग, रैंडमाइज स्पेस, एक्स जेड लाइन, प्लेस ऑन ग्राउंड, सेम हाइट, सेम रोटेशन, लॉक पोजीशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम होता है. और इनके कुछ ये जो सेम हाइट होते हैं इसके बारे में कुछ लिख रखा है, वो आप देख सकते हो. ये करने के बाद ये हो जाएगा, सेम हाइट निकल जाएगी. और सेम रोटेशन करनी हो तो वो यहाँ से आ जाएगी आपकी. ठीक है, प्लेस ग्राउंड, प्लेस ऑन ग्राउंड करना हो तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका. ट्रांसफॉर्म रोटेशन जो भी होता है वो हो जाएगा. स्पेस बार दबाओगे तो ये हो जाएगा आपका. अलाइन करना हो तो ये हो जाएगा. ये कुछ थोड़ी सी क्या है, डेफिनेशन भी है और ये थोड़ी कमांड करके आपको बता रखे हैं कि ऐसे कर पाओगे आप इजिली. रीसेट साइड, रोटेशन करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. स्पेस जेड, एक्स जेड करना हो तो ऐसे आप कर पाओगे इजिली. रैंडमाइज करना हो तो ऐसे आप कर पाओगे इजिली. लॉक पोजीशन करनी हो तो ऐसे आप कर पाओगे इजिली. अब चलते हैं सिक्स पॉइंट मूवी मोड पे. अगर मूवी मोड आपको करना हो तो कैसे कर पाओगे, जैसे कि आपको दिख रहा हो कंट्रोल फर्स्ट टू जीरो तक करेंगे तो हमारे 10 कैमरेज व्यू पोर्ट इन फोटो सेट हो जाएंगे एक टाइम में. ठीक है, कैमरा एनिमेशन इन ए क्लिप, उसे हम एडिट भी कर पाएंगे इजिली. शिफ्ट प्लस 1 2 0 करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, जो हमारी फोटो होती है वो सेट हो जाएगी फोटो मोड के अंदर. कंट्रोल वाइल रेंडरिंग करेंगे तो जो ये होता है वाइल रेंडरिंग, होल्ड डाउन दिस की टू शो दी फ्रेम पर सेकेंड. ठीक है, वो दिख जाएगा हमारा. कंट्रोल वाइल माउस कर्सर, जो हमारा कर्सर होता है माउस का, इज मूविंग द टाइमलाइन स्लाइडर, तो इसकी ये थोड़ी सी डेफिनेशन है वो आप पढ़ लोगे इसलिए ये
आ जाओ हमारा टाइमलाइन में आ जाएंगे सब कुछ। माउस मूव इफेक्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन करना पड़ेगा, ऐड ए नोड टू द करंट पाथ। राइट माउस करना होगा तो क्या कर पाएंगे हम, मूव ए नोड फ्रॉम द करंट पाथ। शिफ्ट करेंगे तो क्या कर पाएंगे हम, ए लाइन इज ड्रॉन टू प्रीवियस कर्व एंड स्मूथ ऑफ द पाथ। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो आता है हमारा फोटो मोड। कंट्रोल प्लस फर्स्ट टू जीरो कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा, यूज दिस की टू सेव अप टू 10 कैमरा व्यूपोर्ट इन फोटो सेट इन फर्स्ट इन फोटो मोड। ठीक है, शिफ्ट प्लस जीरो करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये कई बार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, लोड प्रीवियसली सेव कैमरा व्यूपोर्ट, सेव कैमरा व्यूपॉइंट, दिस सेव स्लॉट आर आल्सो वेरिएबल्स एज इजीली एक्सेसिबल समलेस इमेज इन फोटो सेट फर्स्ट इन फोटो मोड। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट कीज होती है जो कि आप यूज़ कर पाओगे लुमिन सॉफ्टवेयर के अंदर, और इसमें और भी अदर शॉर्टकट कीज होती है जैसे कि रेंडर की भी होती है और अदर भी होती है, जैसे कि मैं आपको इसकी एक वीडियो बना के बता दूँगा कि कैसे हम रेंडर कर पाएंगे इसमें और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती है, क्या लाइब्रेरी कहाँ से खुलती है, इसकी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, और कैसे हम लाइब्रेरी सेट कर पाएंगे, और जो इसमें मॉडल्स होते हैं ना जिसमें ह्यूमन बींग्स के मॉडल होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी रोटेट करते हुए दिखेंगे आपको उसमें, और आप इजीली अपने 3D Max या स्केचअप की जो भी फाइल होगी वो इजीली इंपोर्ट कर पाओगे इसके अंदर, वो उसकी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।